सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। भारत का एक ऐसा गांव है जहां साल में 5 दिन निर्वस्त्र रहती हैं महिलाएं। अजीबो गरीब है यह परंपरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहने को तो हम 21वीं सदी में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसी परंपरा है जो हमें काफी पीछे की ओर ले जाती हैं। अंधविश्वास से जुड़े इस देश में कुछ अजीबोगरीब ऐसी प्रथाएं देखने को मिलती है जिनके बारे में सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे। वैसे भी भारत विविधताओं का देश है, यह अपनी विविधता में एकता के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारे देश में एक प्रचलित कहावत भी कही जाती है कि एक कोस पर पानी बदले ढाई कोस पर वाणी। इसी कहावत से आप समझ सकते हैं कि रीति रिवाज और परंपरा से भरा हुआ देश है हमारा। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपरा है। ऐसी ही एक राज्य हिमाचल प्रदेश है जहाँ की मणिकर्णा घाटी के पीड़ी गांव में कुछ ऐसी ही रीति रिवाज निभाए जाते हैं जिसे जानकर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, भारत सिर्फ विविधताओं से भरपूर नहीं है बल्कि यहाँ अजीबो गरीब परंपराओं की भी भरमार है। हिमाचल प्रदेश की मणिकर्णा घाटी के पीड़ी गांव में यह अजीबोगरीब परंपरा सावन के महीने में निभाई जाती है, जहां की महिलाएं 5 दिनों तक कपड़ा नहीं पहनती हैं। इतना ही नहीं, किंवदंती तो यहां तक है कि अगर कोई भी महिला इस परंपरा को नहीं निभाती है तो उसके घर में कुछ अशुभ हो सकता है और अप्रिय समाचार सुनाई पड़ सकता है। इसलिए इस गाँव के लोग आज भी इस परम्परा को निभा रहे हैं। वहीं बता दें कि इस रिवाज को निभाने के पीछे का कारण है कि एक समय ऐसा था जब लहुआ घोड़ देवता पीड़ी पहुंचे थे तो उस दौरान राक्षसों का आतंक था। भादो संक्रांति को यहां काला महीना कहा जाता है और इस दिन देवता ने पीड़ी में पांव रखते ही राक्षसों का नाश किया था। उसके बाद से ही इस रिवाज की शुरुआत हुई और जो अब तक चली आ रही है।